हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? होपफुली इस लॉकडाउन में अच्छे ही होंगे। घर पे रहिए, सेफ रहिए। सो आज मैं आप लोगों के लिए प्रिंट मीडिया से रिलेटेड एक टॉपिक लेकर आया हूँ इस ट्यूटोरियल पे। आप में से बहुत लोग हो जो लोग डिज़ाइन तो जानते हो और आप लोग चाहते भी हो कि हम लोग फ्लेक्स डिज़ाइन करके या फिर विनाइल डिज़ाइन करके कुछ पैसा कमा सकते हैं क्या? हाँ बिल्कुल, आप कमा सकते हो। बट डिजाइनिंग आप जानते हो, मगर फ्लेक्स डिजाइनिंग और विनाइल डिजाइनिंग के लिए आप प्रोजेक्ट स्टार्टिंग के टाइम पे किस तरीके से फाइल को सेट करोगे, या प्रोजेक्ट सेटिंग जिसको हम लोग कहते हैं, आप किस तरीके से सेट करोगे उसको, या फिर फाइल जब आप एंड कर रहे हो उस टाइम पे आप किस तरीके से फाइल को सेव करोगे, क्या फॉर्मेट में करोगे, तो उसके ऊपर ही मैं आज आपको बताने जा रहा हूं। सो आपके टाइम ज्यादा ना लेते हुए मैं सीधा स्टार्ट करता हूँ। सो फर्स्ट कम टू द क्रिएट न्यू फाइल। सो यहाँ पे आप लोग जानते हो कि प्रीसेट्स बहुत कुछ मिलता है, बट आपको प्रीसेट्स पर अभी ध्यान नहीं देना है। मैं आपको जो बता रहा हूँ पहले आप उस पर ज्यादा ध्यान दीजिए। सो आपको सबसे पहले जानना है यूनिट सेटअप, क्योंकि फ्लेक्स या फिर विनाइल इसके साइज बहुत बड़े बड़े साइज के भी होते हैं, छोटे से लेके बहुत बड़े साइज के, लाइक 100 फीट तक का भी साइज होता है। तो आपको अगर इस साइज को प्रॉपर मेंटेन करके, लाइक आपका विड्थ कितने फीट का होगा या हाइट कितने फीट का होगा, अगर उसको लेके आपको करना है, तो फिर आप पहले से जानो कि इंचेस और फीट के क्या रिलेशन है। 12 इंचेस पे 1 फीट होता है। दैट मीन्स अगर आपको 10 फीट का एक बैनर बनाना है, विड्थ उसका 10 फीट है, तो दैट मीन्स 120 इंच आपका हो जाता है। सेम उसी तरीके से अगर आपका हाइट उसका कुछ 6 फीट तक होगा, तो फिर ये 72 इंच का हो जाता है। तो इसके बाद आता है इसका रेजोल्यूशन। तो रेजोल्यूशन हम लोग जानते हैं कि प्रिंट मीडिया में ज्यादातर लोग 300 के रेजोल्यूशन को इस्तेमाल करते हैं। आप अगर यहाँ पे चले जाओगे प्रिंट में, प्रिंट से कोई भी आप एक उठा लो, कोई भी चीज, आप यहाँ पे देखोगे इसका 300 PPI लिया गया। सो मुझे इस बेस पे नहीं जाना है, मैं यहाँ पे इंचेस पे 120, हाइट पे 72, 6 × 12, एंड रेजोल्यूशन मैं हमेशा यहाँ पे कम यूज करता हूँ। मैं यहाँ पे 80 रेजोल्यूशन यूज करता हूँ, बहुत ही कम। या फिर बैनर जितना बड़ा होता है उतना रेजोल्यूशन हम लोग कम रखते हैं। इवन मैं ऐसे भी साइज का बैनर बनाया जिसमें मैं रेजोल्यूशन 50 रखता हूँ। तो आप लोग सोचेंगे कि पिक्सेलेशन होना बहुत जायज है। सही बता रहे हो कि पिक्सेलेशन हो जाएगा, बट वो पिक्सेलेशन आपको दिखता नहीं है, क्योंकि वो बैनर्स इतने दूर रहते हैं आपके आई साइट से कि आप उसको, आपके विजिबिलिटी में वो पिक्सेलेशन दिखता नहीं है, वो मर्ज हो जाता है। तो इसलिए आप उसको 80 तक रखोगे। हाँ कुछ छोटे वाले बैनर्स होते हैं जो बहुत नजदीक लगाए जाते हैं, हमारे डिस्टेंस उसका कम होता है, वहां पे आप 100 तक मैक्सिमम रख सकते हो, इससे ज्यादा आप बिल्कुल मत कैरी करो उसको। और इसके बाद आता है आपका कलर मोड। कलर मोड इज बेसिकली RGB मोड हमारे स्टैंडर्ड रहता है जो फोटोशॉप में, क्योंकि ये डिजिटलाइज कलर है, डिजिटल कलर मोड। बट इसका जो प्रिंटर होता है, इसकी जो प्रिंटिंग मशीन है, वो RGB मोड कैरी नहीं करता, वो CMYK के मोड कैरी करता है। सो इसलिए आप इसको CMYK में कन्वर्ट कर दोगे। अच्छा, कभी कभार ऐसा होता है कि हाइट और विड्थ इसका बहुत, जैसे मैंने बताया, बहुत बड़ा होता है। सो इसका जो मशीन होता है ना, 10 फीट का मशीन होता है मैक्सिमम, उसका जो हाइट होगा वो 10 फीट का हो सकता है। विड्थ आप कितना भी करो, क्योंकि रोल होता है उसमें, जितना भी आप लंबा चाहो उस रोल से प्रिंट करते हुए निकाल लो। बट हाइट कभी कभार ये होता है कि 60 फीट बाई आपका 20 फीट का हुआ मान लो, या 25 फीट का हुआ, उस टाइम पे आप क्या करोगे? मान लो 60 फीट बाई 20 फीट का विड्थ उसका 60 फीट है, हाइट उसका 20 फीट है, मगर मेरा जो मशीन का हाइट है, जो मेरा उस पे फ्लेक्स आता है, रोल फ्लेक्स रोल आता है, उसका जो चौड़ाई होता है वो मैक्सिमम 10 फीट का ही होता है। तो आपको उस जगह पे आपके डिजाइन को 2 हिस्से में डिवाइड करना होता है आपको। मतलब डिजाइन पहले बना लो, फिर आप उसको बीच में से इक्वली 2 हिस्से में डिवाइड करके अलग अलग फाइल बना के फिर उसको आपको देना पड़ता है, क्योंकि उसको अलग अलग प्रिंट किया जाता है, फिर उसको गम से बीच में से पेस्ट किया जाता है। ये आपका काम नहीं है, आप डिजाइनिंग करो और पेस्टिंग का काम प्रिंटिंग वालों के ऊपर ही छोड़ दो, वो लोग ही प्रिंट करके देते हैं। अभी यहां पे मैं यहां इसको क्रिएट करता हूं।
फाइल क्रिएट हो गया, मैं डिजाइनिंग आपको इतना नहीं दिखाऊंगा, मैं सिर्फ सेविंग फॉर्मेट में डिजाइनिंग का थोड़ा सा आपको बताता हूँ कि आप लोग डिजाइन जानते हो ऑलरेडी, इसलिए मैं डिजाइन पे ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट कर रहा हूँ। मैं जाके इसको एक रेड कलर दे दिया बैकग्राउंड में, साथ में मुझे इसके ऊपर कुछ टेक्स्ट लिखना है व्हाइट कलर में। सो मैं अच्छा, आप एक चीज देख सकते हो यहाँ पे रेड कलर, इस रेड कलर में थोड़ा सा चेंजेस है, वो बिकॉज उसका रीजन ऐसा होता है कि RGB और CMYK के कलर में थोड़ा सा फर्क आता है। RGB कलर और CMYK के कलर में ऐसा लगता है कि थोड़ा सैचुरेशन और डिसेचुरेशन का ऐसा आपको लगेगा। तो अभी मैं यहाँ पे कुछ टेक्स्ट लिखता हूँ कि मेरा अभी टेक्स्ट क्या लिखना है, या फिर मैं यहाँ पे साइज और बड़ा कर देता हूँ, लाइक 300 मैं साइज देता हूँ ताकि आपको दिखाई दे, क्योंकि इतने बड़े साइज में 72 pixels क्या आपको पता चलेगा। तो मैं यहाँ पे 300 कर दिया, या फिर 500 आप कर दो, कुछ भी आप यहाँ से जितना बड़ा चाहो उतना बड़ा कर सकते हो। आपको यहाँ से जो भी फॉन्ट चाहिए आप उस फॉन्ट को कैरी करो, लाइक मैं यहाँ से एक फॉन्ट दिया, इसको लाइक बोल्ड कर दिया, तो जितना बोल्ड या फिर अच्छे चौड़े वाले लेटर आप फॉन्ट यूज करोगे, लेटर फॉन्ट यूज करोगे उतना बेटर है, क्योंकि दूर में रहेगा तो उतना हाईलाइट होना चाहिए, वो दिखना चाहिए सबको दूर से। तो मैं यहाँ पे जाके इस पे लिख देता हूँ लाइक फ्लेक्स डिजाइन। सो फ्लेक्स डिजाइन बोल के मैंने इसका नाम दे दिया। अब चाहो तो इसको और बड़ा करो, लाइक इतना बड़ा मैंने कर दिया, फाइन। सो ये जो डिजाइन का पार्ट है ये तो आप लोग जानते हैं। तो इस पे मुझे कहीं पे एक इमेज लगाना है, तो मैं इमेज के लिए जगह देता हूँ। सो मान लो मैं इसके ऊपर जाके या फिर यहां से मैं कुछ और कलर यहां से अप्लाई करता हूं। सो यहां पे मैंने कलर अप्लाई कर दिया, मुझे जो भी लिखना है फॉन्ट में, जो भी इमेज डालना है, जैसे डिजाइन बनाना है वो मैं बना लिया। मैं थोड़ा सा 2-3 लेयर इसलिए कर रहा हूं क्योंकि इसको सेव कैसे किया जाता है वो मैं आपको बताता हूं। अच्छा, इसका ओरिजिनल फाइल तो आप तो PSD में ही सेव करोगे, वो आपके पास रहेगा जो आपका सोर्स फाइल है, पर जब भी आप इसको प्रिंट के लिए तैयार करोगे उसके लिए क्या करता हूं मैं हमेशा, ये मेरा टेक्निक है, आप जैसा चाहो वैसा कर सकते हो, पर मैं सजेस्ट करूंगा मैं इसका एक डुप्लीकेट बना लेता हूं ओरिजिनल फाइल का, और ओरिजिनल फाइल को मैं अलग से सेव करके रख देता हूं। सो ओरिजिनल फाइल में अलग से सेव करके रख दिया, ये मेरा कॉपीड फाइल है। इसके ऊपर जाके मुझे इनके सारे लेयर्स को पहले मर्ज करना होता है, तो आप एक साथ में पकड़ के भी मर्ज कर सकते हो लेयर मर्ज, या फिर आप लेयर में जाके यहां से फ्लैटन इमेज कर दो तो आपका सब लेयर मर्ज होकर बैकग्राउंड लेयर में कन्वर्ट हो जाता है। सो फाइल सेव करने के लिए आप सेव एस या सेव कुछ भी करो, तो यहाँ पे जाके आपको बाय डिफॉल्ट PSD फॉर्मेट आ जाता है, तो आपको PSD फॉर्मेट ना करके इसको TIFF फॉर्मेट में कन्वर्ट करके रखना होगा। सो बेसिकली इसके लिए जो फॉर्मेट डिमांड होता है इंडस्ट्री या प्रिंटिंग हाउस डिमांड करते हैं वो TIFF फॉर्मेट होता है। बाकी आप नाम रखने के लिए कोई भी नाम रखो, या जैसे मैं अभी एक फॉर्मेट रखता हूँ फ्लेक्स प्रिंट, और इसका बताना होता है कि साइज क्या है, लाइक मैं 10 feet by 6 feet का ले रहा हूँ, तो 10 by 6 का कर दूंगा। और आपको फीट और इंचेस अगर डिफाइन करना है, लाइक 6.5 feet या ऐसे कुछ करना है, या 10 inch का करना है, 6 feet 10 inch, सो आप ऐसा कर सकते हो कि 6 feet 10 inch, तो ऐसा भी बता सकते हो, तो इससे सामने वाले को समझ में आ जाता है। और अगर आप कुछ नहीं करते हो तो इसको उनको समझ में आता है कि 10 feet by 6 feet का। तो जैसे ही आप इसको सेव करते हो तो आपको और एक फ्लोटिंग विंडो आ जाता है, यहाँ पे आपको सबसे मेन चीज आएगा इस पे इमेज कंपैरिजन, ये आपको सेट करना है, बाय डिफॉल्ट ये नन रहेगा आपका, तो आपको इसको करना होता है LZW। ये एग्जैक्टली मुझे पता नहीं था पहले, मैं भी जब प्रिंटिंग हाउस पे गया था तो ऐसे प्रिंटिंग हाउस वाले मुझे बताए कि इसके जो कंप्रेशन फॉर्मेट है आप उसको LZW रखा करो, तो तब से मैं इस चीज को ध्यान में रखा हूं, तो मैं वो चीज आपके साथ शेयर कर रहा हूं। मेरे जो भी एक्सपीरियंस हुआ था प्रिंटिंग हाउस में जाने के बाद, तो मैं आपको आज वो शेयर किया। सो उसके बाद आप फाइल सेव करो, और इस फाइल को आप पेन ड्राइव में या फिर ऑनलाइन भी भेज सकते हो उनको, वो लोग प्रिंट करके आपके लिए रख देंगे। सो आई होप आपके लिए ये क्लियर हो चुका है कि किस तरीके से फाइल सेटअप किया जाता है और सेव किया जाता है। डिजाइन के लिए मैं फिर कभी एक वीडियो आपके लिए बनाऊंगा, जहां पे डिजाइन थ्योरी के साथ मैं आपको सारे डिजाइन एक्सप्लेन करूंगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगर नहीं किए हैं तो, अगर किए हैं तो फिर आप लोग
लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और ऑब्वियसली नोटिफिकेशन बेल्स को क्लिक करके रखिए ताकि मेरा जो भी नया वीडियो आए वो अब तक सही टाइम पे पहुंचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।